KGF, जिसने इंडियन सिनेमा में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपना एक ऐसा भौकाल बना दिया है कि आज हर कोई रॉकी भाई का फैन बन चुका है। पर आखिर ऐसी तो क्या बात थी कि डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस मूवी को दो पार्ट में बनाने की सोची। तो यार जब KGF की स्क्रिप्ट लिखी गई थी तब डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस मूवी को एक नॉर्मल मूवी की तरह एक ही पार्ट में बनाने की सोची थी, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब उन्हें लगा कि हम फिल्म को एक पार्ट में बनाने के चक्कर में बहुत से सीन छोड़ रहे हैं, और उसके बाद इस फिल्म को दो पार्टों में बनाया गया। अब बहुत से सोर्सेज से ये भी पता चला है कि इस मूवी का तीसरा पार्ट भी आएगा। देखा जाए तो डायरेक्टर प्रशांत नील ने KGF का एक यूनिवर्स बना दिया, और इस यूनिवर्स की अगली फिल्म सलार होगी जिसमें हमें प्रभास लीड रोल में नजर आएंगे, और उसके बाद आएगी KGF 3 जिसमें एक बार फिर से रॉकी भाई अपना जलवा दिखाएंगे। तो क्या आप भी चाहते हैं कि KGF का तीसरा पार्ट आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यार अभी हम लोग KGF के दिए झटके से निकले नहीं थे कि कन्नड़ा इंडस्ट्री ने एक और बम फोड़ दिया। जी हाँ, रिलीज हो चुका है कब्जा मूवी का टीजर। देखो यार ये टीजर कल रिलीज हुआ है और कल से लेकर अब तक इसे मैंने 10 बार देख लिया। यार इसके टीजर को देखकर मुझे एक ही बात नजर आई कि यही मूवी है जो KGF को टक्कर दे सकती है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, कैमरा एंगल, स्क्रीन प्ले और म्यूजिक सभी कुछ धमाकेदार है। फिल्म की पूरी कहानी और स्क्रीन प्ले आपको KGF जैसा ही लगेगा, लेकिन ये KGF नहीं कब्जा है। इस फिल्म की कहानी गैंगवार पर बेस्ड है तो इसमें एक्शन तो हमें भरपूर मिलेगा, और कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि हाई लेवल एक्शन। इस मूवी में हमें किच्चा सुदीप और बहुत से एक्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी उनके किरदार क्या क्या हैं ये अभी रिवील नहीं हुआ है। तो अब इंतजार है इस मूवी का। तो क्या आपने भी टीजर देख लिया है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।